सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ड्रोन्स। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अपनी RS 200 के फेलिंग वाइब्रेशन के ऊपर। तो हाँ गाइस, RS 200 में जो है वो आप लोगों को ये कॉमन वाइब्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। RS 200 में क्या यार, आप लोगों को जो है वो हर फेयरिंग बाइक्स पर जो है वाइब्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि यार एक टाइम बाद फेयरिंग जो होती है वो बाइक की लूज हो जाती है, और फेयरिंग लूज होने के कारण बाइक के जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो है वो गैप आ जाता है, और गैप आने के कारण जो है वो राइड करते समय बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। और ये जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है यार, ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग लगती है बाइक को राइड करते समय। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो इसे ही रिमूव करने वाले हैं। तो इसे रिमूव करने के लिए आप लोगों को जो है वो एक डबल साइडेड टेप की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो डबल साइडेड टेप है ये आप लोगों को जो है वो कोई भी स्टेशनरी की शॉप पर ईजिली मिल जाएगा 10 या 20 रुपये में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अभी तक आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो स्क्रीन पर आप लोगों को जो है वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का हैंडल दिखाई दे रहा होगा, तो यार फॉलो कर लेना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, कॉमनली RS पर जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है वो विंडशील्ड पर से आती है, और फेयरिंग पर जो ये वाले गैप्स होते हैं इन पर से वाइब्रेशन आती है। तो हमें जो है वो सबसे पहले विंडशील्ड को खोलना पड़ेगा, और विंडशील्ड को खोलने के लिए आप लोगों को जो है वो स्क्रू ड्राइवर से इन 6 स्क्रू को खोलना है, और ये वाले जो एलंकी बोल्ट्स हैं इन्हें आपको खोलना है। तो मैं जो है वो इन्हें खोल लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वाइब्रेशन को जो है वो आप लोगों को किस टाइप से दूर करना है। तो गाइस, ये जो फेयरिंग वाला पोर्शन है इसमें आप लोगों को जो है वो डबल साइडेड के छोटे छोटे पीस कट करके चिपकाना है, जिससे फेयरिंग और विंडशील्ड पर जो है वो टेप बीच में लग जाएगा, जिससे वाइब्रेशन वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो गाइज़, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो इसमें भी आप लोगों को जो है वो ऐसा डबल साइडेड टेप लगा देना है, जिससे ये वाली जो फेयरिंग है और ये वाली जो फेयरिंग इसके बीच में टेप लग जाएगा, जिससे जो है वो यहाँ पर इसका जो वाइब्रेशन है वो भी दूर हो जाएगा। तो गाइज़, आप लोग देखो, मैंने जो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से डबल साइडेड टेप लगा दिया हूँ, और खोलना तो यार ये वाला पार्ट भी था, बट ये वाला जो नट है वो स्लिप हो गया, इसलिए जो है वो मैं इसे ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ और ये वाला पार्ट मैं नहीं खोल पा रहा हूँ। आप लोगों को भी जो है वो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपसे जो है वो कोई भी नट स्लिप होता है तो उसे आपको जो है वो बिल्कुल ही फोर्स नहीं करना है, उसे आपको जो है वो कोई भी मैकेनिक से खुलवाना है। और अभी जो है वो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मैं जो है वो इतना कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, और अगर ये वाला पार्ट खुलता तो इस टाइप से आप लोगों को जो है वो डबल साइडेड टेप को इसके अंदर से लगाना है। और ये वाला जो टेप है इस पर जो रैपर लगा हुआ है उसे आपको निकालना है, और अपनी जो विंडशील्ड है उसे आपको वापस से लगा देना है। तो गाइस, विंडशील्ड और जो मैंने एलंकी के नट है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हूँ। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो बाइक को राइड करके दिखाता हूँ कि वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो कितने हद तक सॉल्व हुई है। तो वाइब्रेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम है यार, वो डबल साइडेड टेप लगाने के बाद एकदम ही पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। यार मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि टेप वगैरह लगाने के बाद वाइब्रेशन वगैरह में उतना खास कुछ फ़र्क पड़ेगा, पर यार गाइस, ये डबल साइडेड टेप लगाने के बाद वाइब्रेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम है यार वो पूरी ही सॉल्व हो गई है। तो यार इसी तरीके से आप भी जो है वो अपनी बाइक के वाइब्रेशन को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप गाइस, वीडियो वगैरह आप लोगों को पसंद आई होगा। वीडियो वगैरह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस यार, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि RS 200 में जो है वो एक टाइम बाद बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, क्योंकि
बाइक यार कैसी रखना है वो यार आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग जो है वो बाइक को जितने अच्छे से मेंटेन रखोगे यार, बाइक पर जो है वो आप लोगों को कोई भी वाइब्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है यार, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी प्रॉब्लम है, ये इजीली सॉल्व हो जाती है। तो चलिएगा इस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टिल देन, बाय।